एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डैड एंड बच्चा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे वेट गेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, हेल्दी भी होगा और बच्चों के अच्छे नींद आने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया पम्पकिन, इसे अच्छे से काट लिया, वाश कर लिया और इसके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो है दो डेट्स, किशमिश, चावल, ड्राई फ्रूट्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया। साथ में मैंने प्रेशर कुकर को हीट किया, इसमें एक चम्मच घी डाला और इसके साथ ही मैं डालूँगी डेट्स और किशमिश। बस इसे थोड़े से चलाएँगे, इसके बाद पम्पकिन को डाल देंगे और इसे भी थोड़ा देर चलाएंगे। इसके साथ आपने जो चावल को वाश करके रखा है उसे डाल दें और चावल को ऐड करने के बाद इसे भी थोड़ा देर चलाएं। और इसे चलाने के बाद इसके साथ ही मैं डाल दिया ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और अगर आपका बेबी 1 साल से प्लस है तो इसमें आप शुगर को ऐड कर सकते हैं, और अगर 1 साल से कम है तो आप विदाउट शुगर का बनाइए। 3 सीटी आने तक पकाना है, तो इसमें अच्छे से 3 सीटी आ चुका है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही ये पककर तैयार हो चुका तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, और आप इसे स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें मैं डालूंगी दूध, तो मैंने इसमें डाला दूध, और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेबी के खाने के लिए तैयार हो चुका है। तो 2 साल से बड़ा बच्चा है तो आप इसी तरह बेबी को दें, और अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो इसमें मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर दे, इसे ग्राइंड कर दे, फिर आप बेबी को दे। ये जो रेसिपी है बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये ब्रेन डेवलप करने में, बच्चों को अच्छी नींद दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप वीक में 2 या 3 दिन बेबी को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और इसे बेबी खाने के बाद अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा। तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार दे सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।